तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ वेलकम बोनस के बारे में। वेलकम बोनस पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सोमी और रॉय, कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहाँ पे ऑलिमट्रेड प्लेटफॉर्म ये जो लिंक दिया हुआ है, लिंक को सिंपली आपको क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करते ही आप रिडायरेक्टेड हो जाओगे रजिस्ट्रेशन पेज पे। कैसे आपको वेलकम बोनस मिलेगा तो मैं दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसा करना है। ये है, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है, ये रहा ईमेल एड्रेस। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से चूज कीजिए और हमेशा ये ध्यान में रखना है दोस्तों आप लोगों की करेंसी हमेशा यूएसडी ही होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए चेक मार्क को और ये रहा रजिस्टर। तो दोस्तों, आपको ये दिख रहा है कि आप रजिस्टर करते ही आपके पास ये स्क्रीन आ रहा है, डबल योर डिपॉजिट। तो यहाँ पे जाइए, आराम से आप डिपॉजिट कीजिए और आपको दिख रहा है कि $30 है, $100 है, $200 है। मैं यही बताऊंगा कि $200 सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि $200 आप सिलेक्ट करोगे 100% का बोनस, मतलब आपके अकाउंट में $400 डिपॉजिट होगा। अभी जाऊंगा, डिपॉजिट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग भी सेम कर सकते हो, एंड यू गाइज विल गेट 100% वेलकम बोनस फ्रॉम ऑलिमट्रेड। लेट्स टैप डिपॉजिट। तो दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से भी आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो, या तो सिंपली आपके वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड किसी से भी आप लोग यहां पे जाके करना है। तो ये देखिए, मैंने $200 का डिपॉजिट करने का निर्णय लिया है एंड हियर कम्स द वेलकम बोनस। 57 मिनट्स बचा हुआ है, विल बी क्रेडिटेड, मतलब आपके अकाउंट में जाएगा $400। यहां पे मैं डिपॉजिट दबाऊंगा, तो वेट करते हैं, मैं तब तक अपना कार्ड डिटेल्स फिल इन करता हूं। तो दोस्तों, ये मैंने डिपॉजिट किया अपने ऑलिमट्रेड ट्रेडिंग अकाउंट में $200 अकाउंट रजिस्ट्रेशन करते ही, और मुझे मिला 100% का बोनस। तो ये आप लोगों को दिख रहा है मेरा लाइव अकाउंट का बैलेंस है $400। यू गाइस कैन ऑल्सो गो अहेड एंड मेक ए डिपॉजिट एंड गेट 100% वेलकम बोनस, सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और एक VIP स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, और एक नया VIP स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। वीडियो को देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नए नए जो भी वीडियोस मेरे आएंगे उसमें वो सब देख के आप अपना ट्रेडिंग स्किल्स एंड नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सा VIP स्ट्रेटजी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। सबसे पहले चले जाएंगे इंडिकेटर्स टैब पे। इंडिकेटर्स टैब पे जाके आप लोगों को दिखेगा मिलेनियम स्ट्रेटजी। मिलेनियम स्ट्रेटजी बेसिकली डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर है। इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है वो है डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर। ठीक है, डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर को हम लोग यूज करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, लेवल जो है सॉलिड डॉटेड, या तो फिर आप डैश्ड भी कर सकते हो। लेवल मतलब ये लेवल के बारे में बात हो रहा है जो ज़ीरो आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि ये ज़ीरो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस इंडिकेटर के लिए। तो आप लोगों को जो बढ़िया लगे आप लोग वो चूज़ कर सकते हो, मतलब वो लेवल आप लोग चूज़ कर सकते हो। इसका जो पीरियड वैल्यू है, पीरियड वैल्यू हम लोग एज़ यूजुअल 10 रखते हैं जो ऑलरेडी दिया हुआ है। और कैंडलस्टिक आप लोग देख रहे हो कि मेरे चार्ट में अभी हाइकनेसी है, इसको चेंज करके हम लोग जापानीज कैंडलस्टिक कर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इंडिकेटर यूज़ करके कैसे आप लोग सिग्नल जनरेट कर पाओगे, या तो कैसे आप लोग ट्रेंड स्पॉट कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक ट्रेडर को हमेशा
कोई भी इंडिकेटर यूज़ आप कर रहे हों, आपको ये पता चलना चाहिए कि इंडिकेटर क्या इंडिकेशन दे रहा है और कैसे आपको इंडिकेशन स्पॉट करना है, ठीक है। तो मैं पहले ये बता दूं कि डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर जो है उसमें एक लेवल है जो कि है ज़ीरो का लेवल, और ज़ीरो के ऊपर है पॉजिटिव, ज़ीरो के नीचे है नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब यही है सिंपली कि ज़ीरो के ऊपर जब पॉजिटिव होराइजन में ज़ीरो के ऊपर जब बार्स हम लोगों को दिखेंगे फॉर्म होते हुए, उसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बुलिश हो रहा है। जैसे देखिए आप लोग, यहाँ पे फॉर्म हुआ है एक छोटा सा डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर का बार, और यहाँ पे आप अगर इसके साथ कोइंसाइड कराओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या आया है, बुलिश ट्रेंड आया। फिर जब चेंज हुआ है यहाँ पे, जैसे कि दो तीन छोटे छोटे बार्स आप लोगों को दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन हुआ है, और प्राइस करेक्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर से जैसे आप लोग देख रहे हो कि प्राइस चेंज हुआ है और यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद फिर से बुलिश हुआ है, और फिर यहाँ पे जब नेगेटिव होराइजन पे मतलब ज़ीरो के नीचे जब बार्स फॉर्म हो रहे हैं तब यहाँ पे बेसिकली डाउनवर्ड ट्रेंड का संकेत है, मतलब जो चार्ट है, जो प्राइस है वो बेयरिश हो रहा है। तो फिर से मैं बता दूं कि ज़ीरो होराइजन के ऊपर पॉजिटिव होराइजन में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव होराइजन में, जब बार्स फॉर्म होंगे डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर का, तब आपको अपवर्ड ट्रेड ओपन करना है, और ज़ीरो होराइजन के नीचे डिट्रेंडेड डीपीओ का जब बार्स ज़ीरो होराइजन के नीचे फॉर्म होगा तब आपको ये समझना है कि यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड का संकेत है, आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करना है। तो सबसे पहले ये दिखा दूं कि ये जो कैंडलस्टिक का जो टाइम फ्रेम है वो एक मिनट रखते हैं, और चार्ट या ट्रेड एक्सपायरी टाइम जो है उसको दो मिनट से चार मिनट के भीतर आप लोग उसको रख सकते हैं, उसको वेरी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ट्रेड करेंगे, देखेंगे कि ये जो डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर है कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन उससे पहले ये जो कैंडलस्टिक अभी फॉर्म हो रहा है, ये कैंडलस्टिक को थोड़ा बहुत करेक्ट होने देते हैं, करेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रेड ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन किया है ऑलरेडी $250 का, दो मिनट का एक ट्रेड, ठीक है। अभी देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या इंडिकेशन जो दे रहा है अभी कि मार्केट अभी फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, डिट्रेंडेड ऑसिलेटर ज़ीरो होराइजन के नीचे बार्स फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करना है। डाउनवर्ड ट्रेड ही हम लोग ओपन किए हैं। आप भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो डेमो अकाउंट में डिट्रेंडेड प्राइस ऑसिलेटर, आप भी ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए कि ज़ीरो होराइजन के ऊपर जब ट्रेंड या ज़ीरो होराइजन के ऊपर जब बार्स फॉर्म होंगे, यू आर सपोज टू ओपन अप ट्रेड, मतलब प्राइस बुलिश जा रहा है। ज़ीरो होराइजन के नीचे जब बार्स फॉर्म होंगे, यू हैव टू ओपन डाउनवर्ड ट्रेड, मतलब प्राइस यहाँ पे फॉल हो रहा है या बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। टाइम फ्रेम के साथ हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दो मिनट से लेके आप चार मिनट या पाँच मिनट के भीतर आप टाइम फ्रेम को वेरी कर सकते हैं, टाइम फ्रेम को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि टेस्ट जब आप कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको कहाँ करना है प्रैक्टिस, लाइव अकाउंट में नहीं, डेमो अकाउंट में करना है, ताकि आपको एक फील मिले कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, और कैसे आप लाइव अकाउंट में जब जाओगे कैसे आपको ट्रेंड स्पॉट करना है, और कैसे आप ट्रेंड स्पॉट करके पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हो, ठीक है। हालांकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं पहले भी बोला हूँ, आगे के वीडियोस में भी बोला हूँ, अभी भी ये बोल रहा हूँ कि कोई भी इंडिकेटर फुल प्रूफ 100% का आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता है। लेकिन अब जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको लेके आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप इसको लेके चर्चा करोगे, उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही बेटर आपको इसका समझ होगा। मैंने और एक ट्रेड ओपन किया है, आप लोगों ने देखा $50 का जो पहला ट्रेड था 250 का, वो हम लोगों को 2 मिनट का प्रॉफिट आया है, 82% का प्रॉफिट है। GBP USD चार्ट पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जब
ट्रेडिंग में अगर आप नए हो, आप बिगिनर हो या आप अगर प्रो लेवल भी हो, लेकिन ये इंडिकेटर के बारे में या ये स्ट्रेटजी के बारे में आप पहले कभी सुने नहीं हो, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है हेल्प। हेल्प पे जाइए, हेल्प पे जाके जो एजुकेशन सेक्शन है ओलिम्ट्रेड वेबसाइट पे, एजुकेशन सेक्शन में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, कैसे आपको ट्रेड ओपन करना है, जो भी इंडिकेटर या स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो हर एक के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। तो ये सब को आप लोग यूज़ कीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेक योरसेल्फ परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मार्केट का आइडिया आएगा, उतना आपको ट्रेडिंग कैसे हो रहा है, कैसे ट्रेंड स्पॉट हो रहा है, कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग को आप समझ के ट्रेड कर सकते हो एक बेटर रिजल्ट पाने के लिए, ये सब आपका एनहेंस होगा। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे किया। अभी बिगिनर्स के लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनिए और बहुत बढ़िया से दिमाग में सेट कीजिए कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपके अकाउंट में, लाइव अकाउंट में बैलेंस है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना कोई नॉलेज के, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के आप ट्रेड ओपन कर दोगे बेधड़क और आप ये सोचोगे कि हर एक ट्रेड आपको प्रॉफिट होगा। हो सकता है कभी कभार मार्केट आपके साथ गया और आप अगर सही पोजीशन पे ट्रेड ओपन किए, यू माइट लैंड अप विथ सम प्रॉफिट्स, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा क्योंकि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में। तो इस फील्ड के बारे में एडिक्वेट नॉलेज पहले लाइए, पहले प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद ही आप लाइव ट्रेडिंग कीजिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये मेरा सजेशन है। तभी जाके क्या होगा कि आपका जो एंथुजियाज्म है, आपका जो एंथू है, आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप लॉस नहीं कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत आप ट्रेड ओपन कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसमें क्या होगा, आपका जो एनर्जी है वो बूस्ट होगा और आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक प्रेशर के अंडर हो। जब कोई ट्रेडर लूज करता है, जब मैं भी लूज करता हूँ, जब मुझे भी लॉसेस होता है, आई ऑल्सो कम अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर कि कैसे पैसा को रिकवर किया जाए। और ये बात जान लीजिए कि जब आप प्रेशर में हो तब आप गलत डिसीजन लेते हो, हर एक बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, हर एक ट्रेडर करता है यही। तो ये चीज़ से बचना है तो बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है, ये इंडिकेटर के बारे में क्या राय है। प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि आप लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आपके पास अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, लिंक से साइन अप कर सकते हैं, फ्री ट्रेडिंग अकाउंट आपको मिलेगा। और नीचे और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जो मेरा ओपन ग्रुप, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग रिलेटेड हर एक न्यूज़ देता हूँ, मार्केट का जो फोरकास्टिंग है वो सब देता हूँ, या तो बहुत तरीके के बातें मैं ट्रेडिंग रिलेटेड आर्टिकल्स में लिखता हूँ, वो सब भी आप लोग देख सकते हो अगर मेरा ग्रुप सीखो ट्रेडिंग ज्वाइन करते हो। माइंड यू कि आप मेरे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसी लिंक से ज्वाइन करें, ना कि कहीं से देख के या कहीं से आपको मिला वो सब लिंक ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक चैनल्स ऐसे आते हैं। तो ये सबसे प्रोटेक्टेड रहना, ये सबसे सावधान रहना आपका भी जिम्मेदारी है। उसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना सब ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स का, पेजेस का, मेरा ओपन ग्रुप्स का लिंक दिया हुआ है, लिंक को टैप कीजिए, ज्वाइन कीजिए मेरा ग्रुप। मेरा ग्रुप टेलीग्राम पे है, और अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो एवरी मंडे टू फ्राइडे, अगर आप ये देखना चाहते हो कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, कैसे आप लोग कर सकते हो, सो यू कैन गेट ए फील वंस यू हैव ए मिनिमम अमाउंट ऑफ $50 इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। आप डायरेक्टली मुझे लिख सकते हो, मेरा जो टेलीग्राम पर्सनल आईडी है जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक को, आईडी को कॉपी कीजिए, टेलीग्राम सर्च में जाइए और मुझे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी अवेयर कि यू आर नॉट गेटिंग इनटू समवनस ट्रैप हु इज़ आस्किंग यू फॉर मनी और हु इज़ प्रॉमिसिंग यू टू गिव 100% रिटर्न, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी आपको 100% रिटर्न का गारंटी नहीं दे सकता है, ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। और कोई भी
ऐरा गैरा आदमी जो आपको हेल्प करने का वादा करता है, इन लोगों को कभी भी आपका अकाउंट आईडीज या आपका पैसा या कुछ भी मत दीजिए। ये आप लोगों से मेरा निवेदन है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो मिलेनियम वीआईपी स्ट्रेटजी का। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। ये वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर कुछ मैं और कर सकता हूँ, मतलब आप लोगों का जो नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए, तो मैं अगला वीडियो में इसका एक्सटेंडेड वर्जन में करूँगा। तो तब तक के लिए वीडियो को देखिए, और भी बहुत सारे सेटअप हो सकते हैं इसका, सिर्फ ये नहीं है कि इंडिकेटर देख के आप डिसाइड करोगे, और भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी सेटअप होता है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। लेकिन बेसिक से स्टार्ट कीजिए, अचानक अंदर बीच में मत आ जाइए, बेसिक से स्टार्ट कीजिए, तभी जाके आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। और जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे, जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारे सोर्सेस हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, investopedia.com बोल के एक वेबसाइट है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट बेसिकली एक ट्रेडर्स हेवन है। मतलब यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या इंडिकेटर्स है। आपको सिर्फ सर्च में जाना है, सर्च में जाके सोचो कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हो, तो आप RSI इंडिकेटर यहाँ पे टैप किए, सबमिट बटन दबाया, और आपके सामने यहाँ पे RSI इंडिकेटर के बारे में पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आप कोई भी टैब ओपन कीजिए जो investopedia.com का हो, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, या तो दूसरा कोई भी अगर आप इंडिकेटर या टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो, तो ये वेबसाइट बिल्कुल रेफ़र कीजिए, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। ये देखिए, ADX एक इंडिकेटर है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जिसको बोला जाता है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो। बेसिकली मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन एनहेंस योर स्किल, यू कैन लर्न अबाउट इट, यू कैन गैदर नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग, लेकिन ये रिसर्च आपका होना चाहिए। क्योंकि ये बात जान लीजिए कि ट्रेडिंग में आपको हेल्प, या आपको अगर बेटर रिजल्ट चाहिए, अगर इफ यू आर अवेटिंग बेटर रिजल्ट्स, देन यू मस्ट डू योर ओन रिसर्च बाई योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। कोई आपको नहीं कर सकता है, कोई भी आपको ये नहीं समझा सकता है कि कैसे ये काम कर रहा है। ये आपका जिम्मेदारी है कि आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो, एनहेंस करो स्किल, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटिफुली इट कैन वर्क फॉर यू एज इट डिड वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज्ञा चाहता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, जय हिंद।